हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नए प्रोडक्ट के साथ में, और वो प्रोडक्ट है एक मोबाइल स्टैंड। ये चाइना का मोबाइल स्टैंड है और ये काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप होलसेल में लेते हैं तो ये 30 रुपये तक के आपको मिलेगा, और अगर आप रिटेल में लेते हैं तो आपको ये 50 रुपये तक के मिल जाएगा, या उससे कम भी हो सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके फीचर क्या क्या है। ये है, दिखने में बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही काम का प्रोडक्ट है, ख़ास तौर से यूट्यूबर्स के लिए। तो देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप इस तरीके से मोबाइल इसके ऊपर फिट कर सकते हैं और किसी भी जानी इसको रोटेट कर सकते हैं, और ये इस तरीके से आता है यहाँ पर। देखिए, ये है प्रोडक्ट, बहुत ही छोटा है और स्टाइलिश है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड, यहाँ पर इसमें आप कैसे भी इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी नया है इसलिए थोड़ी आवाज़ कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर आप कैसे भी इसको मूव कर सकते हैं। इसका वर्किंग कैसे होगा, तो आप इसको कहीं पर भी जहाँ पर प्लेन सरफेस है वहाँ पर आप इसको इस तरीके से मारेंगे तो ये फिट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, और आपका मोबाइल आप इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये मैंने मोबाइल इसके ऊपर फिट कर दिया हूँ। किसी भी सिमत में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कि आप इसको कांच के ऊपर भी लगा सकते हैं, अगर आपके ग्लास वगैरह पे लगाना है, या मैंने भी ऐसी जगह पे लगाया हूँ। आप इसको कहीं पर भी, जैसे अगर आपके पास में इस तरीके से कोई सरफेस है तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट इसको ऐसे लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चिपक गया है, इस पर डायरेक्ट आप आपका मोबाइल इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल जब इसके ऊपर लगाए तो ख्याल रखिए कि सामने डिस्प्ले का जो डिस्प्ले की साइड है वो साइड में ना लगाए, वरना इसमें पावर इतना है कि ये आपका डिस्प्ले खींच लेंगे अगर आप गलती से इसको उल्टा लगा दिए तो। इसीलिए इसमें बहुत से कलर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट में इसके बहुत सारे कलर अवेलेबल है। ये देखिए, यहाँ पर ये प्राइस हर इलाके के अंदर अलग अलग हो सकती है, आप होलसेल लेते हैं या फिर रिटेल में लेते हैं तो हर एक की प्राइस आपको वहाँ पर डिफरेंट मिलेंगी, क्योंकि ये चाइना के आइटम है इसलिए इसकी प्राइस कुछ फिक्स नहीं होती है। ठीक है, हर दुकानदार अपने हिसाब से इसको बेचता है। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट था, चाइनीज़ आइटम, काफ़ी काम का है। अगर आप यूट्यूबर है तो आप इसको कहीं पर भी ऊपर साइड में ऐसे लगा के आपका मोबाइल यहाँ पर ऐसे अटैच कर सकते हैं, और आपके वीडियोस वगैरह आप डायरेक्ट बना सकते हैं, आपको ट्राईपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कहीं पर भी आप इसको डायरेक्ट ऐसे लगा के ये शूटिंग आपकी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था चाइनीज़ आइटम का। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे इस चैनल के ऊपर हम छोटे छोटे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में चाइनीज़, उसके भी रिव्यू करते हैं, क्योंकि दूसरे जो चैनल होते हैं वो खाली बड़े प्रोडक्ट के रिव्यू करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर छोटे प्रोडक्ट भी आपको बताते हैं, ताकि ये आप इसको ख़रीद सके, ताकि आप इसको छोटे छोटे प्रोडक्ट भी हम इसमें बताते हैं ताकि आप आसानी से इसको ख़रीद सके, क्योंकि ये डेली लाइफ प्रोडक्ट है और इंडिया में ये ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि हमको हर किसी को सस्ता चाहिए और ज़्यादा ये चीज़ें टिकाऊ नहीं होती है। आप अगर ब्रांडेड भी लेंगे तो ये कोई ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये जब इसका ट्रेंड चलता है उस वक्त यूज़ होते हैं, बाद में लोग इसको रख देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए इस तरीके के रिव्यू देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।